सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ क्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने यह पाठ पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। क्रिया मतलब जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वह क्रिया कहलाता है। तो आइए देखें, कुछ ऐसे ही शब्द, कुछ ऐसे ही काम, जैसे नाचना, यहाँ पे बच्चे नाच रहे हैं, खेलना, बच्चे खेल रहे हैं, सुनना, बच्चे सुन रहे हैं, और बोलना, बच्चे बोल रहे हैं। कोई ना कोई काम हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम करने या होने का पता चलता है, तो आइए आपकी पुस्तक का पाठ 8 क्रिया पढ़ते हैं। ऋतिक एक समझदार बच्चा है। वह पाठशाला से घर की ओर जा रहा है। घर पहुंचकर वह खाना खाएगा और गृह कार्य करेगा। शाम को वह दोस्तों के साथ पार्क में खेलता है। माँ की आवाज़ लगाते ही वह घर पहुंच जाता है। इस अनुच्छेद में बच्चों आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं जो रेखांकित किए हुए हैं, जैसे कि जा रहा है, खेलता है, खाएगा, करेगा। तो ये सारे शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि ऋतिक कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ना कोई क्रिया कर रहा है। तो ये सारे शब्द कहलाएंगे क्रिया। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जिससे कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्रिया क्या होती है। ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है वह क्रिया कहलाती है। तो आइए कुछ ऐसे ही शब्द और देखते हैं, जैसे बंदर पेड़ पर डैश रहा है। अब क्या कर रहा है बंदर पेड़ पर? हाँ जी, बंदर पेड़ पर उछल रहा है। तो उछलना क्या है? क्रिया। चिड़िया घोंसला डैश रही है। अब डैश में क्या आएगा? बना रही है। तो चिड़िया घोंसला बना रही है, इसमें बना क्या है? क्रिया। संजय पुस्तक डैश है, संजय पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। पिताजी दफ्तर डैश हैं, डैश में आएगा जाते, तो जाते क्या हो गई? क्रिया। जाना हो गई क्रिया। कुम्हार बर्तन बनाता है, बनाना क्या हो गई? क्रिया। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, दौड़ना हो गई क्रिया। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से क्रिया शब्द जब भी हम कोई भी काम करते हैं, खाना, पीना, सोना, खेलना, दौड़ना, भागना, टीवी देखना, काम करना, तो जितना भी काम हम कर रहे हैं या काम हो रहा है वह क्रिया कहलाता है। आशा करती हूँ मैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।